नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। किताबों से जुड़ा सारा मसाला, यानी फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, सटायर, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो अगर किताबों के शौकीन हैं, यानी बुक लवर हैं, या फिर हिंदी में अच्छी किताबों की तलाश में हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं आप। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का बटन दिख रहा होगा वहाँ पे, उसे क्लिक करके उसको ब्लैक कर दीजिए। बगल में एक छोटा सा घंटी का निशान आएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हिंदी लेखन के क्षेत्र में पिछले 3-4 सालों में शानदार बदलाव आए हैं। पाठकों की संख्या तेजी से बढ़ी है, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है हिंदी का एक ताज़ा तरीन नया स्वरूप, जिसे नई हिंदी भी कहा जाता है। हालांकि मैं नई और पुरानी हिंदी में कोई भेद नहीं करती, बजाय इसके मैं इसे नवीन परंपरा का लेखन कहना ज़्यादा उचित समझती हूँ। तो पिछले 3-4 सालों में बहुत तेज़ी से पाठकों की संख्या बढ़ी है, और हिंदी में कई बेस्ट सेलर किताबें सामने आ रही हैं, जो ऑब्वियसली आपके हाथ भी लगी ही होंगी। तो आज मैं 4 ऐसी किताबों के बारे में बताने वाली हूँ, जो जब से प्रकाशित हुई तब से लेकर आज तक लगातार बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल हैं। यानी पिछले वर्षों में वो प्रकाशित हुई, और अभी तक 2019 तक उनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं पहली किताब के साथ। पहली किताब है सत्य व्यास की लिखी बनारस टॉकीज। ये सन 2015 में प्रकाशित हुई, और आते ही इसने सफलता के झंडे गाड़ दिए। ये सत्य व्यास की लेखनी का ही कमाल है कि 2015 से लेकर आज तक ये लगातार बेस्ट सेलर के लिस्ट में शामिल है। इसकी कहानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भगवान दास हॉस्टल के आसपास घूमती है। कहानी है सूरज, जयवर्धन और अनुराग जे, यानी दादा की। इन 3 दोस्तों के साथ शुरू हुई ये कहानी कॉलेज लाइफ के मस्ती भरे दिन, हॉस्टल लाइफ के अंतरंग किस्से, कैंटीन की चूहलबाजियां, 80 पर डेटिंग और लंका की लंकेटिंग जैसे मज़ेदार प्रसंगों के साथ आगे बढ़ती है। सत्यव्यास की लेखनी कुछ ऐसी है कि पढ़ते वक्त आप उनकी स्टाइल का, उनकी शैली का इस कदर मज़ा लेने लगते हैं कि कहानी में आगे क्या होगा ये सोचना भी भूल जाते हैं। एक कुशल किस्सागो सा उनका अंदाजे बयां आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। कहानी किस उद्देश्य से शुरू हुई, इसका मकसद क्या है, ये आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक आप किताब के आखिरी कुछ पन्नों तक नहीं पहुँच जाते। बनारस टॉकीज उपन्यास शुरू होने से पहले जिग जिगलर की लिखी एक लाइन के साथ शुरू होती है, जिसका अर्थ है हर घटना के पीछे एक कारण होता है। संभव है कि वो घटित होते वक्त आपको दिखाई न दे, लेकिन अंततः जब ये सामने आएगा आपको सन्न कर जाएगा। बनारस टॉकीज भी अंततः आपको सन्न कर जाएगी। ये किताब वास्तव में किस बारे में है, क्या कहना चाहती है, इसको जानने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, बनारस टॉकीज को पढ़ना। एंड ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल निराश नहीं होने वाले हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। मेरी तरफ से मैं बनारस टॉकीज को आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। बढ़ते हैं अगली किताब की ओर, जिसे लिखा है नीलोत्पल मृणाल ने। किताब का नाम है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स नीलोत्पल मृणाल की लिखी पहली किताब है, जो सन 2017 में प्रकाशित हुई, और जिसे लिखते ही दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाला एक साधारण सा छात्र, यानी नीलोत्पल मृणाल, साहित्य जगत का जाना माना नाम बन जाते हैं। युवा साहित्य अकादमी से इस किताब को पुरस्कृत भी किया गया, और तब से लेकर आज तक ये बेस्ट सेलर के लिस्ट में अपने स्थान पर काबिज है। बिहार के एक छोटे से गांव से दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचा संतोष अचानक से उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है, जो मुखर्जी नगर में सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने का ख्वाब लिए सालों से जमे हैं। डुमरी से दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचा संतोष शुरू में एक कल्चरल शॉक से गुजरता है, यानी उसके पहनावे ओढ़ावे, उसके रहन सहन, बातचीत का उसका तरीका, यहाँ तक कि संगीत को लेकर उसकी पसंद नापसंद पर भी सवाल उठाए जाते हैं। सिर से लेकर पाँव तक अपनी काया पलट के बाद संतोष धीरे धीरे मुखर्जी नगर के नितान्त अपरिचित और अलबेले माहौल में रचने बसने लगता है। कुछ वक्त वहां बिताने पर उसे समझ में आता है कि पढ़ाई के साथ ही साथ उसे कई ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेना पड़ रहा है जो वहां के उसके दोस्तों के हिसाब से उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। हजारों कोचिंग्स की भीड़ में से अपने लिए एक अदद कोचिंग बड़ी मुश्किल से ढूंढ लेने के बाद संतोष को इस बात का एहसास होता है कि साल दो साल में IAS बन जाने का उसका वो ख्वाब इतना भी आसान नहीं था जितना उसने समझ रखा था। फिर क्या होता है, क्या वो हिम्मत हार जाता है या हिम्मत करके आगे बढ़ता है, यही डार्क हॉर्स की कहानी है। वैसे तो नीलोत्पल मृणाल ने इसे साहित्य की कैटेगरी में नहीं रखा है, लेकिन जब
कोई किताब इस कदर पाठकों के सिर चढ़कर बोलती है, इस कदर पसंद की जाती है, तो वो न सिर्फ युवाओं की प्रेरणा बनती है बल्कि उनका आदर्श भी बन जाती है। और शायद यही वजह है कि हास्य व्यंग्य की सीमा लांघती, बेरोक टोक आगे बढ़ती इसकी भाषा कहीं कहीं मुझे बहकती हुई सी लगी है। लेकिन बेहद दिलचस्प और बड़ी बेबाकी से सर्वथा नवीन विषय पर कलम चलाने वाले निरुत्पल मृणाल की ये किताब यानी डार्क हॉर्स हर उम्र, हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों को एक बार तो पढ़नी ही चाहिए। अगली किताब की ओर आगे बढ़ती हूँ। अगली किताब लिखी है दिव्य प्रकाश दुबे ने, जिसका नाम है अक्टूबर जंक्शन। दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी ये चौथी किताब है। इसके पहले उनकी मसाला चाय और मुसाफिर कैफे बेस्ट सेलर रह चुकी है। ये कहानी है एक ऐसे कपल की जो हर साल सिर्फ एक बार अक्टूबर के महीने में मिलता है। सुदीप जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, वहीं चित्रा एक मशहूर लेखिका बनना चाहती है, नाम पैसा और शोहरत हासिल करना चाहती है। एक रोज दोनों 80 घाट पर अचानक मिल बैठते हैं और फिर उसी दिन से दोनों हर साल अक्टूबर की 10वीं तारीख को मिलना मुकर्रर करते हैं। साल के 364 दिन उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन साल में सिर्फ एक दिन मिलकर ही वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वो एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा संबल बन जाते हैं। इनकी ये प्रेम कथा ऐसे ही धीरे धीरे धीमी गति से आगे बढ़ती है, लेकिन मुझे तब खटकती है जब ये पता चलता है कि एक दूसरे से प्रेम करते हुए भी, भावनात्मक स्तर पर इतना जुड़ाव महसूस करते हुए भी शारीरिक ज़रूरतों के लिए उनके पास उनके अलग अलग पार्टनर्स हैं और सुदीप तो अपने पार्टनर के साथ कमिटेड भी है। अब इस तरह के प्रेम को क्या कहा जाए, ये मेरे समझ से बाहर की बात है। किताब में कोटेशंस और वन लाइनर्स कमाल के हैं। हर पन्ने पर, हर पृष्ठ पर जिंदगी की एक नई फिलॉसफी सामने आती है जो अपने प्रभाव में आपको बांध लेती है। स्पेशली ये इनकी जो फिलॉसफी है, जो दर्शन इसमें निकल कर सामने आता है, जो कोटेशंस आते हैं, उन्होंने मुझे इतना बांधे रखा जिसकी वजह से मैंने इस किताब को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया और शुरू से लेकर अंत तक पूरा पढ़ गई। लेकिन सुदीप और चित्रा का प्रेम मेरे दिल में नहीं उतर पाया। बट आई मस्ट से, डोंट ट्रस्ट मी, सीरियसली डोंट ट्रस्ट मी, जस्ट रीड द बुक एंड बिल्ड योर ओन व्यूज। सन 2018 में प्रकाशित हुई और अभी तक बेस्ट सेलर की लिस्ट में शामिल है। लोग पसंद कर रहे हैं, कोई तो वजह होगी। क्या वजह होगी ये समझने के लिए तो आपको एक बार ये किताब पढ़नी पड़ेगी। हर किताब हर किसी के लिए नहीं होती है, क्या पता अक्टूबर जंक्शन आपके लिए ही हो, तो एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं। अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं, जो आज की आखिरी और चौथी किताब है और जिसे लिखा है अगेन सत्य व्यास ने। किताब का नाम है 84। इनकी बनारस टॉकीज पढ़ते ही मैं हिंदी के नए रंग रूप की दीवानी हो गई थी। सत्यव्यास की लेखनी साधारण नहीं है, ये मैं तभी समझ गई थी। और फिर 2018 में मेरे हाथ आई 84। अपने पहले ही पृष्ठ से इसने मेरे दिलो दिमाग, मेरी सारी चेतना को वश में कर लिया। 84 सन 1984 में हुए सिख दंगों के दौरान बोकारो शहर में जन्म लेती एक प्रेम कथा है। हालांकि एक शानदार प्रेम कथा होने के नाते अपने पहले के वीडियो में जिसमें मैंने लव स्टोरीज वाली किताबें शामिल की थी, इसे मैं शामिल कर सकती थी, लेकिन एक प्रेम कथा होने के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मान्यताओं पर चौकस नज़र रखती दंगे की विभीषिका, उस खौफनाक मंजर की कलेजा कपकपा देने वाली तस्वीर प्रस्तुत करती 84 को महज एक प्रेम कथा के दायरे में सीमित कर देना मुझे सही नहीं लगा। ये कहानी मुख्य रूप से ऋषि और मनु के प्रेम की है। ऋषि छाबड़ा साहब के घर किराएदार है और मकान मालिक की लड़की मनजीत छाबड़ा से प्रेम करता है। उनकी प्रेम कहानी अभी अपनी शैशवावस्था में ही होती है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और शहर में दंगे भड़क उठते हैं। सिर्फ एक मनु के परिवार को बचाने के लिए ऋषि को उस भीड़ में शामिल होना पड़ता है जो वास्तव में बलवाई है, और फिर शुरू होता है दरिंदगी, लूटपाट और नृशंस हत्या का लंबा सिलसिला। ऋषि मनु के परिवार को, मनु को बचा पाता है या नहीं, इनकी प्रेम कहानी इन्हें कहां तक लेकर जाती है, ये सब कुछ अगर आप 84 पढ़कर जानेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। किसी भी उपन्यास में ज़रूरत से ज़्यादा यथार्थ या ज़रूरत से ज़्यादा आदर्श कहानी को बहुत कमज़ोर करते हैं, उसकी रोचकता को कम कर देते हैं। सत्यव्यास ऐसी स्थितियों से बचने में माहिर है और तभी 84 जैसी शानदार कृति दे सके हैं। अगर आपने 84 नहीं पढ़ा तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। इट्स अ मस्ट 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 रीड।
मैं इसको आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। तो ये थी आज की चार किताबें जो प्रकाशित होने के बाद से ही लगातार बेस्ट सेलर का तमगा हासिल किए हुए हैं और लोगों के सिर पर इनका जादू अभी तक चढ़ा हुआ है। तो अगर आप इनमें से कोई भी किताब पढ़ना चाहते हैं, लिंक अगर मुझे मिली तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेक कर लीजिएगा नीचे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। कैसा लगा और कुछ कहना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, दीजिएगा। एंड साथ ही साथ जाने से पहले एक लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक वहाँ पे लाल रंग का बटन दिख रहा है, उसको ब्लैक कर दीजिए क्लिक करके। अभी के लिए मैं चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारे किताबें पढ़ते रहिएगा।